हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसका नेचुरल नंबर क्या है। एलसीएम और एचसीएफ आपको सिखाने वाले हैं, बेसिक मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर। तो आओ शुरू करते हैं दोस्त एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले दोस्त हम लोग सीखेंगे एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, एलसीएम के बारे में भी उसके बाद बात कर लेंगे। एकदम ईजी है दोनों, समझिएगा। एचसीएफ क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है दोस्त हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन, ठीक है मिस्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एक बात मैं आपको समझाता हूं। सबसे जरूरी चीज क्या है आपका, फैक्टर। हाईएस्ट आपको पता है सबसे बड़ा होता है, कॉमन है ना, जो दोनों में हो, सब में हो, कॉमन हो गया। फैक्टर क्या होता है वो आप समझिए, ठीक है। फैक्टर कुछ नहीं होता मिस्टर, जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम चार लिख रहे हैं और छह लिख रहे हैं, तो फैक्टर का मतलब क्या है, ये किस किस नंबर से कटेगा। तो आपको पता है ये एक से कटेगा, ठीक है, दो से कटेगा और चार से कटेगा, ठीक है। और ये किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा, ये क्या लिखा आपने, फैक्टर्स ऑफ फोर। ये फोर का फैक्टर है, ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ फोर आपने लिखा। और यहां पे आपने क्या लिखा, आपने लिखा फैक्टर्स ऑफ सिक्स। तो आपको इसमें क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो कॉमन फैक्टर तो दोस्त एक भी है, ठीक है ना, और कॉमन फैक्टर क्या दोस्त, दो भी है। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बताइए कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, वो है आपका दो। तो आपका जो एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, वो क्या हुआ, टू हुआ। दिस इज एचसीएफ ऑफ फोर एंड सिक्स। बोलो बात समझ में आया, बहुत इजी मामला है, समझ में आ रहा दोस्त। तो आपने क्या किया, चार और छह का आपने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया, इतना सिंपल। ये फंडामेंटल्स है जो आपको समझ में आना जरूरी है। जैसे देखो मैं 12 और 20 का मैं क्या करता हूं दोस्त, एचसीएफ निकालता हूं। वन, इसका फैक्टर बताइए, वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व। 20 का बताइए, वन टू थ्री नहीं होगा दोस्त, फोर होगा, फाइव होगा, टेन होगा और ट्वेंटी होगा। देखिए ये हाई कॉमन फैक्टर क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, वन दोनों को डिवाइड लगा रहा है, टू भी कॉमन फैक्टर है, फोर भी कॉमन फैक्टर है ना, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर फोर। तो दिस इज द एचसीएफ, समझ में आ गया। 12 और 20 का आपने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। ये है दोस्त फंडामेंटल बात एचसीएफ का, इसलिए इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आ गया। चलो एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एचसीएफ का क्या मतलब है। अब देखिए इसको निकालने का अलग अलग तरीका होता है, जो सबसे यूजफुल तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से। जैसे देखो 24 एंड 60, इसके नाम का क्या मतलब है, उससे हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं आपको समझा दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, कौन सा मेथड बात कर रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट आराम से, ठीक है। हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है मिस्टर। तो बात समझिएगा ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझ लो। आपको पता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर होता है ना, कंपोजिट नंबर मतलब क्या, सिंपल, अभी समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, जैसे एक तीन है, ये एक से कटता है, तीन से कटता है, ठीक है। तो जो नंबर केवल एक से कटे और तीन से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब जिसके पास केवल दो फैक्टर हो, सिंपल। अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अपने बाप से भी ना कटे, सॉरी मजाक कर रहा हूं समझने के लिए, सही है ना दोस्त। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो तीन क्या है, प्राइम नंबर है, दो क्या है, प्राइम नंबर है, पांच क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। पांच किससे कटेगा बताओ, एक और पांच से कटेगा तो प्राइम नंबर। और इसके अलावा जो जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब जो एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, उसके अलावा अपने किसी और से भी कटेगा, समझ रहे बेटा, उसको क्या कहते हैं दोस्त, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये को क्या हो गया आपका, प्राइम नंबर, सिंपल, क्या बोले दोस्त, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जैसे इसके अलावा जो भी होगा, प्राइम नंबर के अलावा जो भी होगा सब कंपोजिट नंबर होगा। जैसे आपका सबसे पहला प्राइम नंबर आता है फोर सिक्स है ना एट, ये सब क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक से कट रहा है, टू से कट रहा है, फोर से कट रहा है, दो से ज्यादा फैक्टर, एक से कट रहा है,
दो से कट रहा है, तीन से कट रहा है, छह से कट रहा है, दो से ज्यादा फैक्टर, एक से, दो से, चार से, आठ से, दो से ज्यादा फैक्टर, तो ये कैसा नंबर हुआ? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिंपल। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर तुमको समझ में आ गया? यस, समझना जरूरी है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आप करने जा रहे हो। तो जितने भी दोस्त कंपोजिट नंबर होते हैं ना, वो सब प्राइम नंबर के मिलने से ही बना हुआ होता है। छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे, जैसे देखिए एट, एट क्या है? टू इंटू टू इंटू टू, देखो प्राइम नंबर है। सिक्स क्या है? टू इंटू थ्री, देखो प्राइम नंबर है। 24 क्या होगा? 2 इंटू टू इंटू टू, 8 3 24 होता है, देखो प्राइम नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको आप प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है, समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट ही डाउन करो, मिटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट सटाक से लो। जैसे अभी हमको क्या निकालना दोस्त? HCF किसका? 24 और 60 का। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तुम 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है दोस्त केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना। टू से लगाओगे 12 आएगा, टू से लगाओगे 6 आएगा, टू से लगाओगे 3 आएगा। यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और उसके बाद 60 की बात करते हैं, तो इसको देखो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि बेस समान है और गुना में तो पावर क्या होगा, जुटेगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करोगे 30 आएगा, 2 से करोगे 15 आएगा, 3 से करोगे क्या आएगा दोस्त? 5 आएगा। 60 क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और देखो नेचुरल नंबर का मैं तुमको सिखा दिया दोस्त, तो बाकी सब नंबर का सिखा दूंगा, प्रोसेस सेम ही होगा। एलजेब्रा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा सब का एलसीएम एलसीएफ निकालना सिखाऊंगा दोस्त, ठीक है। तो जस्ट फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो दोस्त हमको क्या निकालना है? HCF क्या निकालना है मिस्टर? HCF HCF कैसे निकालोगे? चलो देखो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो कॉमन नंबर ले लो दोस्त, ठीक है, और क्या ले लो? कॉमन 2 भी है, कॉमन 3 भी है। कॉमन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लेंगे विथ कौन पावर? मिनिमम पावर। तो HCF जब भी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल है ना, तो क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन। मैं क्या लिख रहा हूं बात ध्यान से समझोगे दोस्त? ऑल कॉमन प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स विथ मिनिमम पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, इसको तुम जल्दी से ध्यान में करोगे और नोट करोगे। क्या मतलब बोला मैंने? जितने भी कॉमन प्राइम नंबर है, मतलब देखो हम क्या निकाल रहे हैं? HCF किसका दोस्त? 24 और 60 का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। 2 का पावर, देखो 2 कॉमन है, यस कॉमन है, तो मतलब 2 का पावर, मिनिमम पावर क्या है? 2 है। 2 का देखो यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कितना हुआ? 2। और क्या प्राइम नंबर है? 3, यहाँ भी क्या है? 3, तो मिनिमम पावर क्या है? 1 है। तो ये तो कोई 4, ये 3 चार दिया गया हुआ 12, ये हो तुम्हारा HCF निकल गया। समझ में आया क्या? क्या निकल गया ग्रुप? HCF, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 नंबर, 4 नंबर, कितना भी नंबर का HCF निकाल सकते हो, ठीक है मिस्टर। क्वेश्चन इसके लास्ट में मैं आपको एक फोटो लगा दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप पूरा वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को, ठीक है मिस्टर। चलो जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने का मतलब मेरा ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो HCF निकालने के लिए उस किसी भी नंबर का, चाहे एलजेब्रा हो फेलजेब्रा हो, आपको बस यही बात ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर, ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ कौन सा पावर? मिनिमम पावर, ठीक है। नोट इट डाउन। डिवीजन मेथड हम कहां लगाते हैं? जब हमारे पास नंबर बड़ा होता है तब हम HCF कैसे निकालते हैं? पहले आप छोटा एग्जांपल देता हूं, इसी का निकाल रहा हूं। देखो 24 और 60 का मैं क्या निकाल रहा हूं? HCF, HCF कौन सा मेथड? डिवीजन, डिवीजन मेथड, ठीक है दोस्त। तो डिवीजन मेथड, इसका नाम ही क्या, डिवीजन मेथड, तो डिवीजन करेंगे बड़का से छोटा में डिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्त। 24 से लगाओगे, 24 में कितना आएगा बोलो? 48, 48 कितना आएगा? 12। उसके बाद हम इसको तब तक डिवाइड लगाते रहते हैं जब तक हमारा कट न जाए। अब ये जो डिवाइडर है जिसको हम, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको उठा करके इधर लाएंगे, उसको डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर से इसमें वापस डिवाइड लगाओ, तो 2 टाइम्स कट गया 44, किसने पूरा पूरा काटा? 12, वो सबसे बड़ा नंबर 12 है, जिस है ना, जिसको जो 24 को भी काटेगा और 60 को भी काटेगा,
तो अपना एचसीएफ क्या हुआ 12। ये है बेसिक सा डिवीजन मेथड, बहुत इजी बहुत इजी। डिवीजन मेथड दोस्त हमको कहां पे हेल्प करेगा, जहां पे नंबर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जैसे देखो मैं 25100 मान लो कि मैंने क्या ले लिया आपका 5 लगा दिया, ठीक है, और उसके अलावा 169, ठीक है, 65, ये तीन नंबर है, हमको क्या करना है दोस्त, इसका एचसीएफ निकालना है। मैंने जान के छोटा नंबर लिया है, आपको देखने से भी पता चल जाएगा जो एक्सपर्ट लोगों के, बाकी बात समझिए, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ तरीका। अगर आपको प्रोसेस पता है तो किसी भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल सकते हो। हमको निकालना है दोस्त एचसीएफ, इस तीनों का क्या करना है दोस्त, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। ध्यान से देखोगे दोस्त क्या है, एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर से इसमें डिवाइड लगाओ, 25 डिवाइड लगाओ 1005, सबसे छोटा से उससे बड़का में डिवाइड लगाएंगे। तुमको पता है 4 टाइम्स क्या लगेगा, 100, खत्म हो गया ये 5, 0 टाइम्स लगेगा, ठीक है, 5 आएगा। अब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को यहां से डिवाइड लगाओ 25 से, वहां नंबर लग गया 25, खत्म। तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ 1 हुआ, लेकिन अभी एक नंबर और भी बाकी है, ठीक है दोस्त। मान लो कि अगर इस नंबर को हम 2 कर देते हैं, क्या कर देते दोस्त, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर का जो एचसीएफ निकला, इस दोनों नंबर का जो एचसीएफ निकला, इस एचसीएफ से क्या करेंगे, थर्ड वाला में डिवाइड लगाएंगे 16962, ठीक है मिस्टर। 5 से डिवाइड लगाओ, 5 3 जा 15, 1 आएगा 9, 5 3 जा 15, कितना आएगा दोस्त, 4 आएगा 62, 5 9 जा 65, 45 सॉरी 45, रिमाइंडर कितना आएगा आपको पता है, 1 12, ठीक है। 5 से कितना लगेगा बोलो, 5 से 2 जा 10 लगेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इस पूरे का डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर कितना आया दोस्त, 2। अब डिवाइजर को वापस लेकर के जाओ, तब तक डिवाइड लगाते रहेंगे जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाएगा। तो 5 को यहाँ पर लगाएंगे, 5 से लगेगा 2 जा 4, 1 आएगा 2 को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, 2 मरते हुए क्या जाएगा 2। तो किस नंबर ने इसको काट दिया, 1 ने। 1 एक ऐसा नंबर है जो इस दोनों का एचसीएफ मतलब 5 और इसको भी काट रहा है, मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये है सिंपल डिवीजन मेथड, ये हम तब लगाएंगे जब हमारे पास नंबर थोड़ा बड़ा होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इस दोनों का एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ आएगा उसे उसमें डिवाइड लगाइए, फाइनल जो नंबर सबको काट दिया वही आपका क्या है, एचसीएफ है। निकालिए, एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त जल्दी से। देखो दोस्त, अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं, सबसे सुपर हिट तरीका, मेरा अपना तरीका एचसीएफ सिखाने का, ठीक है, जो यूजफुल है, प्रैक्टिकल है, काम आता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको 4 और 6 चीजें वही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, 4 और 6। अब वो क्या करना है, 4 और 6 का एचसीएफ चाहिए ना दोस्त, एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ में आप क्या कीजिए, देखिए एचसीएफ में आप क्या कीजिए, छोटे नंबर को गोला लगाइए, तरीका समझिए, ठीक है। क्या ये नंबर इसको डिवाइड लगा रहा है, बोलो बॉस, नहीं लगा रहा है। तो अब तुम इसका फैक्टर ढूंढने लगो, इसके ठीक पीछे वाला फैक्टर क्या आएगा, 2। उसके बाद इसका फैक्टर क्या है, 1 है ना, उसके ठीक पीछे वाला फैक्टर क्या है, इसका 2 है। क्या 2 इसको डिवाइड लगा रहा है, क्योंकि इसका फैक्टर तो इसको तो डिवाइड ऑलरेडी लगाएगा, क्या 2 इसका फैक्टर है, मतलब इसको डिवाइड लगा रहा है, मतलब फैक्टर है, यस, मतलब अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा, बोलो बात समझ में आया क्या। और देखो क्वेश्चन, अब वो क्या निकालना है, एचसीएफ इसका निकालना है, मान लो कि 16 है, ठीक है, 20 है और 22 है या 24 है, जो भी है, ठीक है। देखो तीन नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ये हमारा नंबर है, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा को क्या करो, घेरा लगाओ, ठीक है। एचसीएफ वो नंबर होता है, बड़ा से बड़ा जो नंबर, कॉमन नंबर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड लगाएगा, वही चीज हम ढूंढ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या 16 इन दोनों को डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, इसके ठीक इसके पैक्स क्या आता है, 8 आता है। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्या 8 इसको डिवाइड लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, इसका मतलब 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों को डिवाइड लगाएगा। उसके बाद आता है 4 है ना, क्या 4 इसको डिवाइड लगा रहा है, 4 इसको भी डिवाइड लगा रहा है, इसको भी डिवाइड लगा रहा है, मतलब एचसीएफ क्या हुआ अपना, 4 हो गया। समझ में आया, किसी भी नंबर का ढूंढ सकते हो, किसी भी नंबर का ढूंढ सकते हो। तो छोटका नंबर का लगाओ, वो गोला लगाओ है ना, क्या 16 इस दोनों को काट रहा है, अगर काट रहा है तो वही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं काट रहा है तो उसके पहले वाला, ठीक है, उसके ठीक पहले वाला फैक्टर क्या था, 8, नहीं काट रहा था, उसके बाद उसके ठीक पहले वाला फैक्टर 8 के पहले क्या आ रहा है, 4 के इस दोनों को काट रहा है, यस, तो एचसीएफ क्या हुआ, 4 हो गया। समझ में आया, एक अभी एग्जांपल लेते हैं, देखो दोस्त, जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया, मान लो कि मैंने क्या लिया, देखो दोस्त 12 है, ठीक है, 100 है, ठीक है,
और मान लो कि यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 102 ले लेता हूँ, लेता हूँ 102, ठीक। अब देखो इसका क्या 12 इसको काट रहा है, ऑब्वियसली बात है 12 के टेबल में नहीं आ रहा, मतलब नहीं काट रहा है। 12 का ठीक पीछे फैक्टर क्या आता है, 6, क्या 6 इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है। उसके बाद आता है 3, क्या 3 इसको काट रहा है, 4 भी आता है ना, 4 आता है तो 4 इसको काट रहा है, लेकिन 4 इसको नहीं डिवाइड लगा रहा है, ये लगा रहा है ना, ये लगा रहा है। उसके बाद आता है 2, देखो 2 इसको भी डिवाइड लगा रहा है, इसको भी डिवाइड लगा रहा है, मतलब एचसीएफ कितना हुआ दोस्त, 2। समझ में आया? तो ये सबसे सुपर हिट लाजवाब तरीका है। तो मैंने आपको हर बात पर एचसीएफ का लगभग बता दिया, जितना आपको जरूरत है, अननेसेसरी बात नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही LCM लोएस्ट, ये बहुत यूजफुल चीज होता है LCM में एचसीएफ दोस्त, कॉमन मल्टीपल, ठीक है दोस्त, मल्टीपल। अब देखो जैसे मैंने लिखा 6 और 8, यहाँ पे हमको मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल मतलब क्या होता है दोस्त, सिंपल टेबल होता है, टेबल सबने पढ़ा है ना, 6 का टेबल क्या करता हूँ, 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है ना, 24 होता है, 30 होता है, 36 होता है, एंड सो ऑन। टेबल को आप क्या करते हो, 60 पे जाके खत्म कर देते हो, लेकिन मल्टीपल हमको जितना जरूरत होगा लिखते रहेंगे। 66 हो गया है ना, 66 के बाद 72 होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से जाता रहेगा। 8 की बात करें तो बताओ 8 क्या होगा, 8 होगा आपको पता है, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ठीक है। आपको पता है कि इसके बाद क्या आएगा, 48 भी आएगा है ना, 24 के बाद क्या आएगा बताओ, 24, 24 और 8, 32, 46, 48, ठीक है, 60, 60 इसमें नहीं आता, 56 है ना, 8, 16, यस, इस तरीके से जाएगा ये। तो टेबल आपका कहाँ पे खत्म हो जाएगा, 80 पे, लेकिन मल्टीपल 88 भी हो सकता है, इसके आगे भी जा सकता है। तो देखो इस बार क्या ढूंढना है आपको, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में या तीन है तो तीनों में या सब में, मल्टीपल, मल्टीपल हमने लिख रखा है। देखो जैसे ध्यान से देखो, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो देखो कॉमन मल्टीपल क्या है, दिस, कॉमन मल्टीपल क्या है, दिस, कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिलेगा आगे, 72 भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब 24 का जितना भी टेबल में आएगा वो सब मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या चाहिए दोस्त, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बताओ सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा हुआ, 24, दैट्स व्हाई एलसीएम हमने निकाल दिया 6 का और 8 का, कितना 24। समझ में आ गया बॉस? तो ये है एलसीएम का फंडामेंटल चीज जो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम एलसीएम क्यों है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों है, क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है तभी इसका नाम एलसीएम है, सही है ना दोस्त, यस, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया बात आपको, करेक्ट। अब देखो यही पे हम तुमको समझा देते हैं, लगे हाथ प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 into 3 आएगा, और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा बोलो दोस्त, क्या आएगा, 2 into 2 into 3 आएगा, R3 24, 2 का क्यूब एंड 3। समझ में आ गया? हम कौन सा तरीका बता रहे दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालने के लिए दोस्त तुमको क्या करना है, क्या करना है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यहां पे मैं कॉमन ही बोल रहा हूं, ऑल प्राइम नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर, विथ मैक्सिमम पावर, ठीक है हीरो। एक दो और एग्जांपल दूंगा आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। तो देखो सारे प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर से क्या है, 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर बताओ कितना है, 3 है, और एक प्राइम नंबर क्या है, 3 है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो 8 into 3 कितना हुआ, 24। देखो यहाँ से एलसीएम 24 आ रहा है, यहाँ से भी एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदला करते, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये बात जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट करेंगे ऑल प्राइम नंबर का किसके पावर, मैक्सिमम पावर के साथ, और एलसीएम में क्या लिखा था, ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, वो था डिफरेंट उसके प्रोडक्ट, ठीक है दोस्त। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। मैं एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ही लो यार, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो दोस्त अगला अगला एग्जाम्पल आपके लिए बहुत सिंपल सा तरीका कौन सा लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से समझो, नंबर हम ले रहे हैं आपका वही वाला 24 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं और 120 ले रहे हैं। ध्यान से समझोगे गुरु, ठीक है,
नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे दोस्त, ठीक है। देखो आठ थ्री चौबीस होता है, आठ का मतलब टू का पावर थ्री, टू इंटू टू इंटू टू आठ होता है, और इंटू थ्री हंड्रेड। देखो दो को जीरो है तो मतलब दो को दो होगा और पांच भी दो को होगा, सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अन्यथा बेसिक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चौबीस पंचे, तो देखो चौबीस का तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करके रखे हुए हो, और पंचे लगा दो तो क्या निकल गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमने तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अन्यथा आपको बेसिक तरीके से जैसे करने आता है कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो मैंने क्या कहा सारे प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर, तो दो देखो यहाँ भी है यहाँ भी, यहाँ भी है, लेकिन दो का मैक्सिमम पावर कितना है थ्री, थ्री का मैक्सिमम पावर कितना है एक ही है ना, और फाइव यहाँ भी है फाइव यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है बॉस टू है, तो टू ले लेंगे। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ तीन चौबीस पंचे पच्चीस से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे मत करो, देखो दो को पाँच है दो को दो लेंगे दो को जीरो बनेगा, बात हुआ खत्म। इसका इसका मल्टीप्लीकेशन तीन दूना छः छः सौ, ये तुम्हारा रहा आंसर। देखो चौबीस इसको काट रहा है एकदम काट रहा है, सौ भी काट रहा है ये भी काट रहा है, खत्म कहानी। तो भैया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जिसको ये तीनों नंबर या दस गए तो दसों नंबर दो गए तो दोनों नंबर क्या करता है डिवाइड लगाता है, समझे क्या? यस, अरे बोलो भैया समझे क्या? एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होगा जिसका भी आप एलसीएम निकालोगे वो सारा एलसीएम निकालोगे वो सारा नंबर उसको डिवाइड लगाएगा, छोटा से छोटा नंबर। अब इसका मल्टीपल लेते चले जाओ उसको भी डिवाइड लगाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए छोटा से छोटा, नाम है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट्स व्हाई एलसीएम, ठीक है दोस्त? ओके, तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। और बचपन वाला क्लास में हमको गुरु जी कैसे समझाते हैं जरा वो भी देख लो, वो भी सिखा देता हूँ। मिटा दूं क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्त, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ तुमको दोस्त, मैं आपको ये बताता हूँ क्या, वो बचपन वाला क्लास, ठीक है, जो ट्यूशन वाले गुरु जी पढ़ाते हैं जब हम फोर्थ फाइव क्लास में जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए एलसीएम एचसीएफ, तो क्या बोलते गुरु जी, देखो इसको टू से लगाओ बारह होगा, इसको टू से लगाओ कितना होगा पचास होगा, इसको टू से लगाओ कितना होगा साठ होगा, फिर से टू से लगने वाला है दो को में लगा दो छः हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा, ठीक है दोस्त ये साठ है, फिर टू से लगने वाला है इस दोनों में लगा दो, उसे लगाएंगे तो थ्री हो जाएगा, ये नहीं लगेगा तो उतार दो, तीस से कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा, क्या तीन से लगेगा तो लगा दो, तीन से लगेगा तो वन, पच्चीस में नहीं लगेगा ये पाँच हो जाएगा, अब कौन सा लगेगा पाँच से लगेगा दोनों में तो पाँच लगाओ, पाँच लगाई पाँच और ये एक था। अब सबको क्या करो दोस्त एलसीएम निकालो, सबको गुणा करो तो क्या होगा, देखो टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, देखो यहाँ पे भी वही बात आ रहा है, ठीक है, दो को पाँच दो को दो, दो को दो और दो को पाँच को बनेंगे तो दो को जीरो बनाएगा, बचा क्या तीन दूना छः, तो छः लगा दो, ये देखो आंसर, ठीक है। तो कोई भी तरीका से आप क्या कर सकते हो, भन्नाट तरीके से एलसीएम और एचसीएफ दोस्त निकाल सकते हो, ठीक है। टेंथ क्लास का पहला चैप्टर में ये सब बहुत डिटेल से पढ़ना है, वो हम पढ़ाएंगे दोस्त, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो बेसिक्स में जिनको प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी क्लास की किसी भी एज वर्ग के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो सीखना चाहते हो तो आप आ करके बहुत कम टाइम में बड़े मजे से सीख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, मेरा स्टाइल पसंद आ रहा है पढ़ाने का, तो आप क्या कर सकते हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ उनको जिनकी इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत।